जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत में कई निवेशकों ने अपना धन फंसाया है, लेकिन यहाँ निवेशकों को भुगतान नहीं किया जा रहा क्योंकि पैसा सहारा और सेवी के मामले में फंसा हुआ है। साथ ही सहारा इंडिया का हेल्पलाइन नंबर भी उपलब्ध है, जिससे शिकायत करना आसान हो सकता है। तो आपके लिए अच्छी खबर निकल कर सामने आई है। जी हाँ, सहारा इंडिया का एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सहारा नंबर ने अपना हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, उस पर आप कॉल करके सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बताया जाता है कि सीबीआई कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर से सहायता मिलनी चाहिए। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने मोबाइल से घर पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं, साथ ही सेवी से अनुरोध कर भी सकते हैं। सहारा इंडिया की दो कंपनियों ने पिछले 10 वर्षों में निवेशकों को करोड़ों रुपए ही वापस दिए हैं और रीपेमेंट के विशिष्ट बैंक खाते में राशि अब 24,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। मीडिया रिपोर्ट से हमें जानकारी मिली है। आपको सहारा इंडिया रिफंड के लिए भी शिकायत दर्ज करने के लिए टोल फ्री नंबर 1800227575 पर सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक कॉल कर सकते हैं। मैं नंबर आपको दोबारा बता देती हूँ। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करे लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करे www.dikshant.com। 1822-7575 पर आप सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक कॉल कर सकते हैं। सहारा हेल्पलाइन नंबर 1800180, आपको बता दें जो सहारा हेल्पलाइन नंबर है 1800180900 पर जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, आपको बता दें चलें 1800180900 पर आप सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको शिकायत दर्ज करानी है तो आप, मैंने आपको बताया भी है, 1822-7575 पर आप सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आपको बता दें चलें, लगातार देश में लगभग ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपनी मेहनत की कमाई में से कुछ पैसा अपने भविष्य के लिए बचाते हैं और अपने बच्चों की शिक्षा और शादी के लिए पैसे बचाते हैं, लेकिन लगभग 12 से 13 निवेशकों को पैसा वर्षों से भुगतान नहीं किया जा रहा है। आपको बता दें चलिए, लगातार सारा निवेशक के जितने भी लोग हैं सारे परेशान हैं, लेकिन अब ये है कि सारा निवेशकों के लिए गुड न्यूज़ आई है और सारा निवेशकों का पैसा मिलने वाला है। जी हाँ, अब जल्द ही आपका पैसा मिल जाएगा। आप हेल्पलाइन नंबर भी जारी हो गया है, तो आप एक हेल्पलाइन नंबर है उस पर आप जाके शिकायत दर्ज करा सकते हैं, एक नंबर है जिस पर आप सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।